नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इटारसी में थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 4/11/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए मेहरा गांव मेन रोड नदी पुल के पास देसी कट्टा कमर में रखे घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी इटारसी द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वहीं टीम की मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान मेहरा गांव मेन रोड नदी पुल के पास पहुंची तो एक व्यक्ति मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के अनुसार संदिग्ध अवस्था में नदी पुल पर खड़ा दिखाई दिया, जो कि पुलिस को अपने पास आता देख वहां से भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम सीताचरण यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम तीखड़ का होना बताया गया, जिसके कब्जे से अवैध रूप से रखी एक 12 बोर देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस मिला, जिनके संबंध में वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज पूछने पर उसके द्वारा कोई भी वैध लाइसेंस नहीं होना बताया गया। बाद में मौके पर आरोपी से एक 12 बोर देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 2527 आर्म्स एक्ट का होने से थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उल्लेखनीय है कि आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इटारसी पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के पालन में इटारसी पुलिस टीम द्वारा आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रखी जाएगी। आपको बता दें, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला, अनिल ठाकुर, अशोक चौहान, हरीश डिगरसे, राजेश पवार, गजेंद्र डडोरे, जयप्रकाश पाठी की सराहनीय भूमिका रही है। इटारसी से अनुकश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।